जर्मनी की एक फेमस गेटिंग टफ रेस है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पहले सुना भी होगा या कुछ हाइलाइट्स आपने देखी होंगी स्टोरीज में। इस साल गेटिंग टफ रेस ये ओबरहॉफ में हो रही थी और मैं भी वहीं पे था, तो मैंने ऐसे कुछ हाइलाइट्स कैप्चर किए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी वो हाइलाइट्स दिखाऊं। गेटिंग टफ रेस सीरियसली इतनी टफ रेस है कि इसको अटैम्प्ट करना डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बल्कि इस वीडियो को देखने के लिए भी मैं कहूँगा कि ये वीडियो कमज़ोर दिल हजरात के लिए नहीं है। इस का लोगो है, वी आर नॉट टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी ईजी, वी आर जस्ट टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ये इट्स अ काइंड ऑफ हर्डल रेस है और जिसके अंदर दो पाथ्स हैं, एक पाथ 17 किलोमीटर का है और एक पाथ 9 किलोमीटर का है। यू कैन चूज़ बिटवीन एनी ऑफ दीज पाथ्स और हर पाथ के ऊपर फिर डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स हैं। आप सारे ऑब्स्टेकल्स को पास करते हैं और सारे ऑब्स्टेकल्स को पास करके अगर आप एंड पे पहुंचते हैं तो आप विनर हैं, और किसी भी टाइम पे अगर आप रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी रेस ख़त्म हो जाती है। इस रेस को करने के दौरान यकीनन आप एक बार बीच में सोचेंगे कि यार मैं इसमें आया क्यों। सीन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि पहले ये जो है ना गेटिंग टफ रेस के इस टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सब लोग हैं वो अपने आप को जो है सब थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप करके ये रेस यहाँ से स्टार्ट होगी। रेस स्टार्ट होते ही पहले एक ऑब्स्टेकल है जो लगा हुआ है रैम्प की तरह का, इस ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर ये 17 किलोमीटर्स की रेस में आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, मड वॉक करेंगे, और उसके बाद फिर आप बीच में से पाँच जो बहुत टफ़ ऑब्स्टेकल है उसको पास करेंगे, जैसे बोल्डर एक है जो उसको आप करेंगे, फिर मंकी बार है, फिर नेटवर्कर है, और उसके बाद फिर जो है ना रोप क्लाइंबिंग है, फिर समर सॉल्ट है, फिर दी वेव है, और फिर वुडन वॉल है, एंड देन लिम्बोज नाच है। तो ये इस तरह के ऑब्स्टेकल हैं जिनको पास करना है, लेकिन एक फ़न एक्टिविटी है, और लेकिन सोच समझ के इसके ऊपर आए, ये ना हो कि फिर बाद में आप भी कहें कि यार मैं इसमें क्यों आया, यार यार मुझे लैंड करा दे। In the Oberhof, Germany, and I have an excellent person with me. Can you tell us what is this event all about? Auf Deutsch, sir. Auf Deutsch or in English? English. A little bit. Say a little bit because it's English channel. This is problem. Deutsch better. Okay, right. Deutsch. Sag Deutsch. Ja, ich bin Mitorganisator hier in Oberhof. Mein Name ist Michael Kalinowski. Wir freuen uns, dass wir jetzt zum vierten Mal hier in Oberhof am Start sind und haben jetzt auch wieder neue Läufer dazu gewonnen. Und hoffen, dass wir in 4-5 Jahren hier ein ganz großes Event aufziehen, dass hier weit über 2000 Starter kommen. Und Sie haben ja selber mitbekommen, die Stimmung, die passt, das Wetter passt. Was wollen wir mehr? With Lisa in this race, I just want to know about the race. Could you please tell us? Yeah, it's an obstacle race and it's about 17 kilometers and it's hill up and down and yeah, with a lot of fun. I have seen that normally in a kind of race there is obstacle right in front. Right in front. So it's the race is all about obstacles, right? Yeah, it's right, yeah. Okay. And how many odds are there? How many times you have to complete this in how many times? Oh, I don't know. You don't know? Okay. Oh. Okay, no problem. So this is the tough mudder.
सो गाइस, दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो. और इस वीडियो को देख के अगर आपको भी दिल कर रहा है कि आपने भी गेटिंग टफ में या टफ मर्डर में पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने कुछ लिंक्स हैं जो ऐड किए हैं, इसमें रजिस्टर कराएं, इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग करें और फिर इसको आप ज्वाइन करें और फिर फन करें, लेकिन एट योर ओन रिस्क. एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट, फॉलो एंड शेयर. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.